नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बम्बीहा गैंग के एक गुर्गे से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी दिलवर सेक्टर 5 स्थित एस्केप लाउंज बार के बाहर किए हवाई फायर में शामिल था। क्राइम ब्रांच 26 की टीम आरोपी दिलवर गांव भुरेवाला नारायणगढ़ जिला अंबाला निवासी को पंजाब के रोपड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। आरोपी को अदालत में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। क्राइम ब्रांच ने रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 15 जून की रात को करीब 11 बजे एस्केप लाउंज बार के बाहर बाइक पर आए 3 बदमाश हवाई फायर कर फरार हो गए थे। सेक्टर 5 पुलिस ने लाउंज बार के मैनेजर जितेंद्र कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर प्रिंस राणा के कहने पर हवाई फायर किया था। पुलिस की पूछताछ में कई और आरोपियों का खुलासा हुआ है। पुलिस अब अंकुश पिंजोर, विशाल करनाल और राजन करनाल निवासी को गिरफ्तार करेगी। अंकुश और विशाल अभी कुरुक्षेत्र जेल में बंद है। राजन फरार चल रहा है। आरोपी दिलवर ने उसके साथी गैंगस्टर प्रिंस राणा, काला राणा और गुरजंट के कहने पर रंगदारी मांगने के लिए फायर किया था। 3 लोग विदेश में हैं। गैंगस्टर प्रिंस राणा ने विदेश में रहकर दिलवर और उसके साथियों को पिस्टल मुहैया करवाया था। प्रिंस राणा ने दिलवर के साथी मनवीर को खाते में 35,000 रुपये डलवाए थे। मनवीर ने 15,000 रुपये कैश दिलवर को दिए थे, 20,000 रुपये का मोबाइल दिलाया था। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।